ओम शांति। 15 जून 2022 के महावाक्य हैं, मीठे बच्चे यह तुम सबकी वानप्रस्थ अवस्था है, वापस घर जाना है। इसलिए बाप और घर को याद करो, पावन बनो, सब खाते खलास करो। प्रश्न, बाप ही बच्चों को कौन सा धीरज देते हैं? उत्तर, बच्चे अभी इस रुद्र ज्ञान यज्ञ में अनेक प्रकार के विघ्न पड़ते हैं, परंतु धीरज धरो, जब तुम्हारा प्रभाव निकलेगा, ढेर के ढेर आने लगेंगे, फिर सब तुम्हारे आगे आकर माथा झुकाएंगे, बांधेलियों के बंधन खलास हो जाएंगे। जितना तुम बाप को याद करेंगे, बंधन टूटते जाएंगे, तुम विकर्मा जीत बनते जाएंगे। गीत भोलेनाथ से निराला। ओम शांति। भोलानाथ सदैव शिव को ही कहते हैं। शिव शंकर का भेद तो अच्छी तरह से समझा ही है। शिव तो ऊंचते ऊंच मूल वतन में रहते हैं, शंकर तो है सूक्ष्म वतन वासी, उनको भगवान कैसे कह सकते हैं। ऊंचते ऊंच रहने वाला है एक बाप, फिर दूसरे तबके में है तीन देवताएं, वह है बाप, ऊंचते ऊंच निराकार, शंकर तो आकारी है, शिव है भोलानाथ, ज्ञान का सागर। शंकर को ज्ञान का सागर कह नहीं सकते। तुम बच्चे जानते हो, शिव बाबा भोलानाथ आकर हमारी झोली भरते हैं, आदि मध्य अंत का राज बता रहे हैं। रचता और रचना का राज बहुत सिंपल है। बड़े बड़े ऋषि मुनि आदि भी इन सहज बातों को जान नहीं सकते हैं। जब वह रजोगुणी ही नहीं जानते थे, तो तमोगुणी फिर कैसे जानेंगे। तो अभी तुम बच्चे बाप के सम्मुख बैठे हो, बाप अमर कथा सुना रहे हैं। यह तो बच्चों को निश्चय है, बरोबर हमारा बाबा सच्ची सच्ची अमर कथा सुना रही है। इसमें कोई संशय नहीं होना चाहिए। कोई भी मनुष्य हमको यह नहीं सुना रही है। भोलानाथ है शिव बाबा, कहते हैं मुझे अपना शरीर नहीं है, मैं हूँ निराकार। पूजा भी मुझ निराकार की ही करते हैं, शिव जयंती भी मनाते हैं। अब बाप तो जन्म मरण रहित है, वह है भोलानाथ, जरूर आकर सभी की झोली भरेगा। कैसे भरेगा, यह तुम बच्चे ही समझते हो। अविनाशी ज्ञान रत्नों की झोली भरती है, यही नॉलेज है, ज्ञान सागर आकर ज्ञान देते हैं। गीता तो वही एक ही है, परंतु संस्कृत श्लोक तो है नहीं। भोली माताएं संस्कृत आदि से क्या जाने, उनके लिए ही भोलानाथ बाबा आते हैं। यह माताएं तो बिचारी घर के काम में ही रहती हैं, यह तो अभी फैशन पड़ा है जो नौकरी करती हैं। तो बाबा अब बच्चों को ऊंचते ऊंच पढ़ाई पढ़ा रहे हैं, जो बिल्कुल कुछ भी नहीं पढ़े थे, उन्हों पर पहले पहले कलश रखते हैं पढ़ाई का। यूं तो भक्तियाँ सीताएं सब हैं, राम आए हैं रावण की लंका से मुक्त करने, अर्थात दुख से मुक्त करने। फिर तो बाप के साथ घर ही जाएंगे, और कहाँ जाएंगे, याद भी घर को करते हैं, हम दुख से मुक्ति पाएं। बच्चे जानते हैं बीच में किसको मुक्ति मिल नहीं सकती, सबको तमो प्रधान बनना ही है। मुख्य जो फाउंडेशन है वह जल जाता है, वह धर्म ही प्राय लोप हो जाता है, बाकी कुछ प्राय चित्र आदि जाकर रहते हैं। लक्ष्मी नारायण का चित्र भी गुम हो जाए तो यादगार कैसे मिलेगा। बरोबर जानते हैं देवी देवताएं राज्य करते थे, उनके चित्र भी अभी तक हैं। बच्चों को इस पर समझाना है। तुम जानते हो लक्ष्मी नारायण बचपन में प्रिंस प्रिंसेस राधे कृष्ण थे, फिर महाराजा महारानी बने हैं, वह हैं ही सतयुग के मालिक। देवताएं कभी पतित दुनिया में पैर नहीं धर सकती,
श्री कृष्ण तो है ही वैकुंठ का प्रिंस, वह तो गीता सुना ना सके, भूल भी कितनी भारी कर दी है। कृष्ण को भगवान कहा नहीं जा सकता, वह तो मनुष्य है, देवी देवता धर्म का है। वास्तव में देवताएं ब्रह्मा विष्णु शंकर तो सूक्ष्म वतन में ही रहते हैं, यहाँ मनुष्य रहते हैं। मनुष्य को सूक्ष्म वतन वासी नहीं कह सकते हैं। ब्रह्मा देवताएं नमः, विष्णु देवताएं नमः कह देते हैं ना। वह है देवी देवता धर्म, श्री लक्ष्मी देवी, श्री नारायण देवता। मनुष्य को ही 84 जन्म लेने पड़ते हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो, असल में हम देवता धर्म के थे। वह धर्म बहुत सुख देने वाला है, यह कोई कह ना सके वहाँ हम क्यों नहीं। यह तो जानते हो ना कि वहाँ एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म था, फिर बाकी और धर्म नंबरवार आते हैं। यह तुम बच्चे समझा सकते हो, यह अनादि बना बनाया खेल है, उसमें फिर सत्युग होगा। भारत में ही होना है, क्योंकि भारत ही अविनाशी खंड है, इसका विनाश नहीं होता है। यह भी समझाना पड़ता है, बाप का जन्म भी यहाँ होता है, उनका है दिव्य जन्म जो मनुष्यों से दृश्य नहीं है। बाप आए हैं निकालने, अभी तुम सिर्फ बाप और घर को याद करो, फिर तुम राजधानी में आ जाएंगी। यह तो आसुरी राजस्थान है, बाप ले जाते हैं देवी राजस्थान में, और कोई तकलीफ नहीं देते, सिर्फ बाप और वर्षे को याद करना है। यह है अजप्पा जाप, मुख से कुछ भी कहना नहीं है, सूक्ष्म में भी कुछ कहना नहीं है, साइलेंस में बाप को याद करना है घर बैठे। बांदेलियां भी घर बैठे सुनती हैं, छुट्टी नहीं मिलती है। हाँ, घर बैठे सिर्फ पवित्र रहने की कोशिश करो। बोलो, हमको स्वप्न में डायरेक्शन मिलते हैं पवित्र बनो। अभी मौत सामने खड़ा है, तुम अभी वानप्रस्थ अवस्था में हो। वानप्रस्थ में कभी विकार का ख्याल थोड़े ही होता है। अभी बाप सारी दुनिया के लिए कहते हैं, सभी की वानप्रस्थ अवस्था है, सभी को वापस जाना है तो घर को याद करना है। फिर आना भी भारत में है, मुख तो घर की ही तरफ होगा ना। बच्चों को और कोई तकलीफ नहीं दी जाती है, बड़ा सहज है। घर में बैठ भल भोजन बनाओ शिव बाबा की याद में। घर में भोजन बनाते हो तो पति याद रहता है ना। बाप कहते हैं यह तो पतियों का पति है, उनको याद करो जिससे 21 जन्मों के लिए वर्षा मिलता है। अच्छा, कोई को छुट्टी नहीं मिलती है, वहाँ भी रह बाप और वर्षे को याद करो। अपना तो तुम छुटकारा कर लो, बाप से पूरा वर्षा ले सकते हो। धीरे धीरे तो छुटकारा मिलना ही है। हाँ, रुद्र ज्ञान यज्ञ में विघ्न भी जरूर पड़ने हैं। आखिरी जब तुम्हारा प्रभाव निकलेगा तो तुम्हारे चरणों में माथा टेकते रहेंगे, विघ्न तो पड़ते ही रहेंगे। इसमें धैर्य धरना है, उतावला नहीं होना है। घर बैठे पति आदि मित्र संबंधियों को एक ही बात समझाओ कि बाप का फरमान है, मुझे याद करो, वर्षा लो। कृष्ण तो हो नहीं सकता, बाप को ही याद करना है, बाप का ही परिचय देना है, जो सब जान जाए कि हमारा बाबा शिव बाबा है। वह भी अभी याद अच्छी रह सकती है, थोड़े समय के लिए यह बंधन मारपीट आदि है, आगे चल यह सब बंद हो जाएंगे। कोई कोई बीमारी होती है जो झट छूट जाती है, कोई वर्ष दो तक भी चलती है। इसमें भी उपाय यही है, बाबा को याद करते करते बंधन छूट जाएंगे, इसलिए हर बात में धीरज चाहिए। बाप कहते हैं जितना तुम याद करेंगे उतना विकर्म विनाश होंगे, बुद्धि टूटती जाएगी, यह विकर्मों के भी बंधन है।
विकार को ही नंबर वन विकर्म कहा जाता है। अभी तुम विकर्माजीत बनती हो। विकर्माजीत याद से ही बना जाता है। सभी खाते खलास हो जाएंगे, फिर सुख का खाता शुरू होगा। व्यापारियों के लिए तो बहुत सहज है, समझते हैं कि पुराना खाता खलास कर फिर नया शुरू करना है। याद करते रहेंगे तो जमा होता जाएगा, याद नहीं करेंगे तो जमा कैसे होगा। यह भी व्यापार है ना, बाप तो कोई तकलीफ नहीं देते हैं, धक्का आदि कुछ भी खाने का नहीं है। वो तो जन्म जन्मांतर खाते ही आए हैं। अभी सत्य बाप कितना अच्छी रीति समझाते हैं, गोड ही सत्य बतलाते हैं, बाकी तो सब है झूठ। कंट्रास्ट देखो, बाबा क्या समझाते हैं और मनुष्य क्या समझाते हैं। यह है ड्रामा, फिर भी ऐसे ही होगा। अभी तुम जानते हो, हम सदगति को पाते हैं श्रीमत पर चलने से, नहीं तो इतना ऊंच पद नहीं मिलेगा। तुम निमित बनते हो स्वर्ग में जाने, वहां कोई विकर्म होता नहीं। यहाँ विकर्म होता है तो सजा भी भोगनी पड़ती है। जो श्रीमत पर नहीं चलते हैं उनको भी क्या कहा जाए, नास्तिक। भल जानते हैं बाबा आस्तिक बनाते हैं, परंतु फिर भी अगर उनकी मत पर ना चले तो नास्तिक ठहरे ना। जानते भी हैं शिव बाबा की श्रीमत पर ही चलना है, परंतु जानते हुए भी ना चले तो उनको क्या कहेंगे। श्रीमत है श्रेष्ठ बनने की, सबसे ऊंचते ऊंच वह सतगुरु है। बाप बैठ बच्चों को सम्मुख समझाते हैं, कल्प कल्प समझाया था। बाकी शास्त्र तो सब भक्ति मार्ग के हैं, अनेक ढेर के ढेर शास्त्र हैं। शास्त्रों की भी बहुत इज्जत रखते हैं, जैसे शास्त्रों को परिक्रमा देते हैं वैसे चित्रों को भी परिक्रमा दिलाते हैं। अब बाबा कहते हैं, इन सभी को भूल जाओ, एकदम बिंदु बन जाओ, बिंदी लगा दो और कोई बातें सुनो नहीं। हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल। एक बाप के सिवाय दूसरे कोई की बात मत मानो। ऐ शरीरी बन जाओ और सब कुछ भूल जाओ। तुम आत्मा इस शरीर साथ सुनती हो, बाप आकर ब्रह्मा द्वारा समझाते हैं, बच्चों को सदगति का मार्ग बतलाते हैं। भल पहले भी कितने यत्न किए, परंतु मुक्ति जीवन मुक्ति कोई चक्र नहीं सके। कल्प की आयु ही लंबी कर दी है, जिनकी तकदीर में होगा तो सुनेगा, तकदीर में नहीं है तो आ ना सके। यहाँ भी तकदीर की बात है, बाप समझाते कितना सहज है। कोई कहते हैं हमारा मुख नहीं खुलता है, अरे इतनी सहज बात है। और बाप और वर्षे को याद करो, उनको ही संस्कृत में कहते हैं मन मना भव। शिव बाबा है सभी आत्माओं का बाप, कृष्ण को बाप नहीं कह सकते। ब्रह्मा भी बाप है सारी प्रजा का। आत्माओं का बाप बड़ा या प्रजा का बाप बड़ा, बड़े बाबा को याद करने से प्रारब्ध स्वर्ग का वर्षा मिलेगा। आगे तुम्हारे पास बहुत आएंगे, जाएंगे कहाँ, आते रहेंगे। जहाँ बहुत लोग जाते हैं तो एक दो को देख बहुत घुस पड़ते हैं, तुम्हारे में भी वृद्धि को पाते रहेंगे। विघ्न कितने भी आए, उन खिटपिट से पास होकर अपनी राजधानी तो स्थापन करनी ही है। राम राज्य स्थापन कर रहे हैं, राम राज्य है नई दुनिया। तुम जानते हो, हम अपने ही तन मन धन से भारत को स्वर्ग बना रहे हैं श्रीमत पर। कोई से पहले तुम यह पूछो, परमपिता परमात्मा से तुम्हारा क्या संबंध है, प्रजापिता ब्रह्मा से क्या संबंध है। यह है बेहद का बाप, फिर है बिरादरियां, एक से ही निकली हुई है ना। परमपिता परमात्मा ने प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा सृष्टि रची है, अर्थात पतित से पावन बनाया है। दुनिया कुछ भी नहीं जानती, हमसो पूज्य हमसो पुजारी।
गाते हैं परंतु वह फिर भगवान के लिए कह देते हैं, अगर भगवान ही पुजारी बने तो फिर कौन पूज्य बनावे। यह पूछना चाहिए। बच्चों को हमसो का अर्थ समझाया है। हमसो शूद्र थे, अब हमसो देवता बन रहे हैं। चक्र को तो याद कर सकते हो ना? गाया भी जाता है फादर सोज सन, फिर सन सोज फादर। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते जी। दहाना के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, होशियार व्यापारी बन, पुराने सब खाते खलास कर सुख का खाता शुरू करना है। याद में रह विकर्मों के बंधन काटने हैं। धीरज धरना है, उतावला नहीं होना है। दूसरा पॉइंट, घर में बैठ भोजन बनाते हर कर्म करते बाप की याद में रहना है। बाप जो अविनाशी ज्ञान रतन देते हैं उनसे अपनी झोली भर दूसरों को दान करना है। वरदान, साक्षी बन माया के खेल को मनोरंजन समझकर देखने वाले मास्टर रचयिता भव। विस्तार, माया कितने भी रंग दिखाई मैं मायापति हूँ। माया रचना है, मैं मास्टर रचयिता हूँ। इस स्मृति से माया का खेल देखो, खेल में हार नहीं खाओ। साक्षी बनकर मनोरंजन समझकर देखते चलो तो फर्स्ट नंबर में आ जाएंगे। उनके लिए माया की कोई समस्या समस्या नहीं लगेगी, कोई क्वेश्चन नहीं होगा। सदा साक्षी और सदा बाप के साथ की स्मृति से विजयी बन जाएंगे। स्लोगन, मन को शीतल, बुद्धि को रहम दिल और मुख को मीठा बनाओ। अच्छा, ओम शांति।